हाय गाइस, मैं हूं अब्दुल कादिर। आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तो गाइस, आज से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैं सुपर ग्लू को सैनिटाइजर में मिक्स करके दिखाया था, दोनों का क्या रिएक्शन होता है। तो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज का वीडियो में हम देखेंगे, जो सुपर ग्लू है ना, ये देख सकते हो मेरे पास एक सुपर ग्लू है। आज का वीडियो में हम इस सुपर ग्लू को जो डेटॉल है ना, डेटॉल में मिक्स करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। आज का वीडियो में हम वही देखेंगे, सुपर ग्लू को डेटॉल में मिक्स करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, आज हम वही देखेंगे। तो गाइस, आप ऐसा कुछ भी ट्राई मत कीजिएगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और अभी तक आपने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर चलिए, अभी हम चलते हैं वीडियो का मेन टॉपिक में। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम सबसे पहले डेटॉल को डालेंगे। आप देख ही सकते हो मैं डेटॉल को डाल रहा हूं। ये देखिए, मैं कुछ इतना तक डाला हूं। अभी उसमें सुपर ग्लू है ना, सुपर ग्लू को डालेंगे, अभी देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। तो गाइस, आप देख ही सकते हो मैं अभी डाल रहा हूं। ये देखिए, अरे यार किस तरीके से जाम किया है, आपने देखा। तो गाइस, मैंने कभी भी सोचा नहीं था कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा। अरे यार, आपने देखा किस तरीके से वो जोग है ना, उसने जाम किया है यार, बहुत ज्यादा गर्म है गाइस। वो ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से जम गया है। गाइस, बहुत कमाल का रिएक्शन था, ऐसा कुछ भी आप टाइम मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। आपने पहले देखा किस तरीके से जाम किया था। अभी हम इसमें से निकाल के दिखा देते हैं आपको कुछ किस तरीके से बनाए, उसमें जम गया है। अरे यार, अभी भी गर्म है लेकिन। गाइस, ये देखिए, आप देख सकते हो जो जोक का जो फ्रेम है ना, वही बन गया है। ये देखिए, सुपर ग्लू कुछ इस तरीके से बन गया है, बहुत ज्यादा मजबूत है। ये देखिए, अभी भी गर्म है, उसमें बहुत ज्यादा गर्म है अभी भी। तो गाइस, आपने देखा जब हम सुपर ग्लू को डेटॉल में मिक्स करते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन होता है। ये देखिए किस तरीके से बना है यार, ये देखिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।